एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। आज ना मैं बात करने वाला हूँ कि यार कुछ ना थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी। अगर आप लोगों ने भी न्यूज वगैरह अगर ढंग से फॉलो की होगी तो पता होगा कि दिल्ली में, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो दिल्ली में पानी आम बात है भरना, ठीक है, सब जगह पानी पानी भर जाता है। तो क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज चलती है, ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज की वजह से जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं करते, सबका अलग अलग एरिया है, समझ रहे? जो लोग एमबीबीएस एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग एफएमजीज होते हैं, वो सब पाए जाते हैं गौतम नगर में, ठीक है, एम्स के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग पाए जाते हैं मुखर्जी नगर, और एक ओल्ड राजेंद्र नगर है कोई जगह, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े दिन पहले ये घटना हुई कि यार तीन लोग अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से, क्योंकि बारिश आ रही थी, आज से दो तीन दिन पहले की बात है, बारिश बहुत तेज आ रही थी और पानी भर गया था गलियों में बहुत बुरी तरह से, और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि लाइब्रेरी में पानी घुसना शुरू हो गया, ठीक है, और अंडरग्राउंड लाइब्रेरी होने की वजह से उसमें पानी फास्ट फास्ट बहुत जल्दी भरना शुरू हुआ। तब बच्चों ने, क्योंकि बच्चे अब यार यहाँ पे आए हैं इतनी दूर दूर से पढ़ाई करने, उनमें से कोई केरला से था एक बंदा जिनकी डेथ हुई है, तीन लोगों की डेथ हो गई उसके चक्कर में, एक यूपी से और एक और था कहीं से साउथ से ही, ठीक है। बच्चों को लगा कि यार पानी भर रहा है तो मतलब लाइब्रेरी छोड़ के निकलना पड़ेगा, तो कॉपी किताब उठाने के चक्कर में, क्योंकि 35-40 लोग तो होंगे ही एटलीस्ट, तो जब निकल रहे थे तो तीन बच्चे रह गए, छूट गए, और जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगे रहते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, स्पेशली द अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में, क्योंकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनसे भी पानी आने लगा, और फिर पानी भरते भरते कुछ सेकंड्स में ही पानी लबालब भर गया, ठीक है, उनसे तीन लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले ओम शांति, उन लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे, और जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि इतना लालची हो गया ना दिल्ली में रह के इंसान की, भाई साहब जिनके भी घर में अगर छोटा सा भी घर है ना किसी का, उसने भी अपने अंडरग्राउंड मतलब की लाइब्रेरी बना रखी है, समझ रहे हो? तो इसी चक्कर में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये सब मुद्दा होने के बाद, और ये सब क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़े से स्ट्रिक्ट फैसले लेने शुरू किए। सीएम केजरीवाल जी से तो क्या ही बोले, वो तो खुद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, समझ रहे मेरी बात? वो तो खुद बोल देंगे मेरे से क्या बोल रहे हो भाई, मैं तो खुद यहाँ फंसा पड़ा हूँ, समझ रहे? बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोग भी एक्शन ले रहे हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन तो ले रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी की सिचुएशन ये है दिल्ली में कि भाई साहब सारी लाइब्रेरी, पहले इतने पोस्टर लगे हुए दिखते थे लाइब्रेरी के, ये लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी, यहाँ पे इतना यहाँ पे इतना, एक ऑब्वियस नॉर्मल सी अगर लाइब्रेरी लेने लेना चाहो तो यहाँ पे मंथली अराउंड 2,000 रुपीज पर मंथ पड़ता है, ठीक है, छोटे से अपने अपने घरों के नीचे ही लोगों ने बना रखे, ठीक है। और मैं बताऊं एक और डेटा कि लगभग 95% लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड थी, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे फिर हम बात करें गौतम नगर की या बात करें मुखर्जी नगर की, सब जगह इतनी भीड़ है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है और आपको पता है स्पेस कम है, ठीक है, तो इस चक्कर में ज्यादातर लाइब्रेरी थी वो सब अंडरग्राउंड थी, ठीक है, तो 95% तक लाइब्रेरी अंडरग्राउंड थी। तो अब क्या हो गया, अब गवर्नमेंट क्योंकि रूल रेगुलेशंस को थोड़ा उलटफेर कर रही है, ठीक है, स्ट्रिक्ट कदम उठा रहे हैं ये लोग, तो अब ना अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, सारी लाइब्रेरीज बंद पड़ी है, ठीक है, किसी ने भी किसी को एंट्री देने से सबने मना कर दिया, कोई भी बच्चा किसी भी लाइब्रेरी में नहीं जा रहा है, और अभी क्योंकि रिसेंटली नीट पीजी का एग्जाम है अभी थोड़े दिन में, तो नीट पीजी वालों के लिए तो बड़ा ही दिक्कत है, क्योंकि पहले जिन लोगों ने जहाँ पे सीट ले रखी थी वहीं पे सबका सारा सेटलमेंट था, सब सिस्टम था पढ़ने वढ़ने का, रूम पे सब लोगों ने ऐसे ही रूम ले रखे कि भाई जहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई इतनी हो नहीं सकती, तो फिर ये सब स्ट्रगल नीट पीजी वाले लोग कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। और इसी चक्कर में अभी मैं देख रहा हूँ पूरी गलियों में जो भी पोस्टर वोस्टर लगे सब साफ एकदम क्लीन, मतलब कोई भी अब लाइब्रेरी कोई एड वेड नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक आई थिंक इन लोगों ने जो लाइब्रेरी वगैरह चला भी रहे होंगे तो इनके पास परमिशन वगैरह भी नहीं होगी एमसीडी वगैरह से जो लेनी होती है, ठीक है, तो इसलिए भी इन लोगों ने सबने लाइब्रेरी बंद कर दी। बहुत कम लाइब्रेरी थी जो कि ऊपर की फ्लोर्स पे थी, आई थिंक मैंने किसी से पूछा उन्होंने बोला कि ऊपर की फ्लोर्स वाली लाइब्रेरी चल रही है अभी भी, लेकिन अब आप सोच लो जब इतनी शॉर्टेज है लाइब्रेरी की तो क्या कुछ पैसा, कितना कुछ पैसा वो लोग चार्ज कर रहे होंगे, और सब लोग इमरजेंसी में एक दूसरे का फायदा तो उठाते ही, आप लोगों को पता ही है, तो ह्यूमन नेचर हो गई है, ठीक है, हर जगह पे, इसीलिए दिल्ली में छोटे छोटे कमरे आपको पता है कितने महंगे मिलते हैं। बट सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल वेरी गुड माय लाइफ सेल्फ, दिस इज मोहित, आई एम गोना शेयर सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, है ना, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग।
कि पास में ही कोई जगन्नाथ जी का टेम्पल है, मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने बताया, तो मैंने सोचा आजकल मैं मंदिर वंदिर घूम रहा हूँ, हालांकि व्यूज वगैरह आ नहीं रहे, तो मैंने थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की है चीजें, की थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रखा जाए, ज्यादा कुछ बकवास ना की जाए, तो मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ जी के मंदिर। ठीक है, आ गए हैं मंदिर के अंदर। अगर आप देखेंगे इधर, बिल्कुल बढ़िया मंदिर है यार, और बहुत अच्छा माहौल है, पीस वाला माहौल है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जैसे व्लॉगर्स के लिए अलाउड है, समझ रहे हो बात, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी तो नहीं, तो हर जगह जहाँ भी जाओ सब लोग पहले तो ये बंद कराने की कोशिश करते हैं ना। तो बाकी इस वाले मंदिर के जो आसपास ना, वो क्रिकेट एकेडमी जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, इधर बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, नेट वेट लगे हुए हैं, इधर भी बच्चों के खेलने वेलने का मस्त। अभी जाऊंगा सीधा मंदिर के अंदर, एंट्री करेंगे एंड देन कुछ पूजा पाठ चल रही है। अभी अगर टाइम की बात करूँ तो हो गया होगा लगभग 5:30, और आ जाओ फिर दिखाता हूँ आपको मंदिर। ये वाला देखो, पहले बाहर अंदर चारों तरफ मस्त एकदम मूर्तियां लगी हुई है, बढ़िया। यही है भाई, वाह फ्लावर्स देखो भाई यहाँ पे, बढ़िया एकदम। अच्छा है यार, यहाँ पे बहुत सुकून सा मिल रहा है ना। मैं ना अभी आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इतनी तेज बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माइक है, इसलिए आवाज़ अच्छे से आई थिंक ग्रेस्प कर पा रहा है मेरा फ़ोन, है ना। अदरवाइज मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी शांति ना भंग करना चाहता किसी की, समझ रहे। बाकी ये पूरा मंदिर इधर का, ये इधर
अभी हमने ना प्रसाद के लिए वो लिया है टोकन, तो भैया प्रसाद पैक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करूं कि भाई साहब मंदिर में आके कैसा लगा, क्या था, तो मंदिर में आके भाई बहुत बढ़िया लगा, और इस वाले मंदिर में तो इतना बढ़िया लगा कि मुझे आज तक मुझे लगता किसी मंदिर में इतना अच्छा लगा ही नहीं, क्योंकि मेरी मनपसंद चीज़ मेरे साथ थी, आप लोग समझ रहे हैं, कैमरा मेरे साथ था और कोई रोक टोक थी नहीं इन सब चीज़ों की, तो मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया, ठीक है, इस वाले मंदिर में आके। बाकी ये वाली जो जगह है ये है होज खास में, ठीक है। ये आ गया प्रसाद, लड्डू, पता नहीं क्या पकौड़ी वकौड़ी क्या क्या है, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। आई होप इस व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, सब सही होगा, समझ रहे हो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग सून, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।